पीएम मोदी कल मैसूर में थे चुनाव कर्नाटक में, वहां से उन्होंने कहा कांग्रेस जो है वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का तो उन्होंने किया, सावरकर जी से शुरू किया और उन्होंने दो नेशन थियरी दिया था और आरएसएस ने भी समर्थन किया था भारत के बंटवारे का, तो ये उनका ही एक कार्य है। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, कहीं प्रामाणिकता तो है नहीं, तो ये झूठा प्रचार करते रहते हैं। प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति अगर इतना झूठ बोले तो आश्चर्य होता है। अगर जितने टुकड़े टुकड़े गैंग का काम किया है, फिर प्रधानमंत्री किस बात के हैं, 10 साल हो गए जी। उसके उसको चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए, मुकदमा चलाया जाए, बजाय कि यह न कह करके हवा में इस तरह से बात करना, झूठ पर झूठ बोलते रहना। राहुल गांधी गरीबों की बात कर रहे थे, जिसे मोदी ने कहा कि बस 50 साल से 60 साल से 70 साल से इनका पूरा परिवार सत्ता में रहा, ये गरीबों की बात करते हैं, हटाने की कोई बात नहीं करते। ये शाही कह सकते हैं, पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर के कहा कि ये शाही जादूगर हैं, इनका पूरा फैमिली कह सकते हैं सत्ता में रहा। अरे भाई, जब देश आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी, और जितना कुछ किया कांग्रेस ने किया, 10 साल में इन्होंने कौन सा परिवर्तन कर दिया, बल्कि देश को बर्बाद कर दिया। आगे अगर इनको समय लगता है तो जो बर्बादी थी वो पूरा कर देंगे। तो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहा है, उसका कम से कम नैतिक ताकत नहीं होती कि वो दीवान भी खोले, पहले अपने गिरवान में झांक करके देख लें। और जो भी अभी तक किया है कांग्रेस ने किया है, मैं फिर से कहता हूं कि आजाद भारत के समय सुई तक नहीं बनती थी, और सैटेलाइट तक छोड़ने तक पहुंचे हैं, तो ये कांग्रेस की देन, इनकी देन नहीं, इसमें कुछ नहीं है इनका। सर, एक और दिल्ली सीट की चर्चा जोरों शोरों से है कल से, कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार हैं, सामने मनोज तिवारी हैं, सारे सांसदों का टिकट कटा लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा, कितनी बड़ी कह सकते हैं ये चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, वो भी जीतेंगे, कन्हैया कुमार जीतेंगे। जब उनका नाम आया मनोज तिवारी के सामने, तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स उनको कह सकते हैं, जो जेल में नारे लगाए गए थे उसको लेकर के उनका आरोपी बता रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो क्या उनकी निकम्मी पुलिस है, आईबी है, रा है, इंटेलिजेंस है, क्या कर रही भाई? आप मुकदमा चलाते, झूठा बात करते हैं, इन्होंने ही नारा लगाया होगा और आरोप लगा देते हैं दूसरे के ऊपर। सर, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? तो बिहार यहाँ पर तो काफी हद तक पूर्वांचल तो 30-40% तक है, तो बिहार के कहाँ रह गए, अब यहीं बस गए, यहीं रच गए, यहीं के हैं जी। सर, राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो है उसमें महंगाई की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं है, ये सब मिसिंग है, कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात बीजेपी नहीं कर रही। जननायक राहुल जी ने बिल्कुल सही बात किया, 5 न्याय और 25 गारंटी के मुकाबले उनका मैनिफेस्टो में कोई दमी नहीं है, इसीलिए तो मोदी जी तिलमिला पड़े और मुस्लिम लीग की छाप कह दिया। अगर युवा रोजगार की बात करें, महंगाई रोकने की बात करें, तो क्या ये मुस्लिम लीग है? अगर किसानों की कर्ज माफी की बात करें, मुस्लिम लीग है? किसानों को MSP देने की बात, क्या ये मुस्लिम लीग है? इन चीजों से मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका कोई तोड़ इनके पास है नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि आजाद भारत से लेकर के अभी तक जितने चुनाव हुए, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी अगर मैनिफेस्टो है कांग्रेस का आया है। हमारे पास विजन है, कई काम जो हमने शुरू किए थे उत्तर पश्चिम लोकसभा में, वो वहीं रुक गए हैं, जैसे नरेला तक मेट्रो का जाना अभी शुरू नहीं हुआ, जबकि हमने मंजूर कराया था घेवरा किराड़ी नरेला में रेलवे ओवर ब्रिज मंजूर करा दिया था, बनना नहीं शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पर किराड़ी और नांगलोई की तरफ में
कोई कॉलेज नहीं है, और बवाना में गर्ल्स कॉलेज है, वो बिल्डिंग ठीक नहीं है, उसका हमने प्रक्रिया शुरू करी थी कि उसके लिए जमीन लेकर के नया भवन बनना चाहिए, वो काम वहीं रुका हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारा विकास का काम है, और बवाना कुतुबगढ़ तक मेट्रो का ले जाना है, और जैसा कि मेट्रो पलवल और फरीदाबाद, सोहना, गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा जा सकती है, तो दिल्ली के देहात में जो लोग हैं उनको ये सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत जो जमीनें मिली थी उनका भूमिधरी अधिकार नहीं दिया है, जबकि हाई कोर्ट ने यह मान लिया है कि ये भूमिधरी अधिकार इनका हो सकता है कंपनसेशन देकर के। इसके अतिरिक्त तमाम सारी वहाँ की समस्याएं हैं, और विकास का कार्य है जिसका मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएंगे। और जो कांग्रेस का 5 न्याय और 25 गारंटी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कल संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें किसानों के लिए कोई नहीं है, न MSP की बात है, न कर्ज माफी की बात है। आज जो अखबार में पढ़ रहा था भास्कर में, कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी युवा भारत में है, मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं, उनको बेरोजगार बना दिया है, और महंगाई की कोई बात नहीं है, और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात जो किया है इन्होंने, इसके मतलब कि संविधान बदलना चाहते हैं, वो सीधा साधा दिख गया। परोक्ष रूप से संविधान बदलने की बात खुद मोदी जी ने कह दिया है।